अब E से एक लाइन बनाई है जो कि पैरेलल है ए बी पे जो कि इंटरसेक्ट करिए BC को एफ पी मतलब ये ई e एफ हमें पैरेलल दे रखा है ए बी के नाउ शो दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी अब हमें प्रूव करना है कि ये जो एफ है ये इस बी सी का मिड पॉइंट है तो स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले मिड पॉइंट वगैरह दे रखा है मिड पॉइंट यूज करेंगे बट कहाँ यूज करेंगे वो देखो सो इन ट्राइंगल पहले बात करते हैं ए बी डी ंगल ए बी डी की अगर मैं बात करूं सो so मुझे यहाँ पे गिवन है कि ई एफ मेरा पैरल है ए बी के और ई इज दी मिड पॉइंट देखो जरा एक बात बताओ जब हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते हैं अगर हमें दे रखा होता है ये इसको इस, न, इसको नेम दे देते हैं इस पॉइंट को लेट्स कॉल दिस जी ठीक है अगर मुझे गिवन होता कि ये जो मेरा ई एफ है ये दोनों मिड पॉइंट है तो मैं कहती इजी और ए बी क्या है पैरल है सिंपल सी बात है अब मुझे जी पॉइंट का नहीं बताया कि वो मिड पॉइंट है या नहीं लेकिन ई मिड पॉइंट है और पैरल है सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं जी भी मिड पॉइंट होगा तभी ये पैरल है ठीक है सो आई कैन से जी इज दी मिड पॉइंट ऑफ बीबी समझ में आया यहाँ पे आपको एक मिड पॉइंट दे रखे और बताया ये दोनों पारल हैं तो वो पैरेलल तभी हो सकते हैं जब जी भी मिड पॉइंट होगा तो इसको हम बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ठीक है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है ये नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे मैंने जी तो प्रूव कर दिया मिड पॉइंट है लेकिन यहाँ पे मुझे एफ प्रूफ करना था कि मिड पॉइंट है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में हमें गिवन है ई एफ पैरल है ए बी के यहाँ ध्यान से देखना ई एफ इज पैरल टू ए बी ये क्वेश्चन में गिवन है देख लो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ था कि ई इज पैरल टू ए बी ई से एक लाइन बनाई है ई एफ जो कि पैरल है ए बी पे सो ये गिवन था ऑल्सो ए बी एज पैरल टू सी डी और ये भी बताया कि ए बी और सी डी या डी सी एस सी डी ए की बात है ये भी आपस में पैरल है सो फ्रॉम हियर मैं कह सकती हूँ ई एफ और सी डी बी पैरल होंगे सो so, यहाँ से मुझे मिला कि मेरा ई एफ और पैरल है सी डी के मतलब सी डी ये हो गया और ई एफ ये हो गया ठीक है सो हियर नाउ दूसरा ट्राइंगल जो मैं लूंगी दैट विल बी इन ट्राइंगल डी सी बी या बी सी डी किसी भी तरह लिख सकते हो बी सी डी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं देखो अभी ट्राइंगल उल्टा बन रहा है पहले तो ये रब कर देती हूं मैं सो so, जी यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारा उल्टा बन रहा है लेकिन डी बी डी जी इसका मिड पॉइंट है ये मैंने अभी प्रूव किया ये लाइन इसके पैरेलल है ये मुझे पता है अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया सो so, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और जी मिड पॉइंट है सो so, क्या बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट एफ मिड पॉइंट नहीं होगा बिल्कुल होगा अगर जी मिड पॉइंट और ये पैरेलल है तभी पॉसिबल है जब एफ मिड पॉइंट होगा सो so, यहां पे मेंशन करना पड़ेगा जी इज द मिड पॉइंट एंड ऑल्सो ई एफ इज पैरल टू सी सो एफ इज द मिड पॉइंट एफ हमारा मिड पॉइंट होगा ऑफ बी सी बा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि एफ हमारा मिड पॉइंट होगा सो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था ठीक है जी सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एट पॉइंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन